सीजन कैसा रहा? आई नो फिल्ड विथ लॉट्स ऑफ सेट्स, पर उसी बीच ऐसे एनिमे भी आए जिसने हमें एंटरटेन किया और साथ ही डीपली टच भी। और चाहो तो आप इस चैनल पे कुछ बेस्ट समर एनिमे पे वीडियोस चेक कर सकते हो, पर आज हम समर के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाले। यस यू नो फॉल एनिमे, जिसमें काफी एनिमे इंजॉयबल होने वाले हैं। डेथ नोट के क्रिएटर का न्यू एनिमे से लेकर मापा के बेस्ट एनिमेशन का एनिमे, सो मेक श्योर तैयार हो जाइए फॉर टॉप 10 मोस्ट एंटिसिपेटेड अपकमिंग एनिमे ऑफ 2021। これはヤバい化け物たちとの遭遇を全て仕方でしのいでいく少女の物語。Let's start with Miroko-chan, a comedy horror supernatural anime. Yes, list की start comedy से होती है, पर थोड़ा unique way में। Miko जो कि एक ordinary girl है, पर जिसकी life upside down हो जाती है, जब से वो spirits या भूतों को देखने लग जाती है, मतलब उसे दिखने लग जाते हैं, पर बजाय terrified होने के, Miko संयम से काम लेती है, ताकि उसके दोस्तों को कुछ भी फर्क ना पड़े, पर ये संयम से काम लेना उसकी life comedy horror में बन जाती है। Anime high school drama दिखाता है, another जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। So let me know आपका क्या सोचना है इस एनिमे के बारे में। इगारशी On the 9th place, My Senpai is Annoying, a slice of life comedy romance anime, a rom-com anime. तो Senpai anime तो जैसा कि trend ही हो चुका है अब, Miss Nagataro Jackie-chan जैसे anime जिसने enjoy तो किया, I know ये anime भी enjoy करेगा. Anime का background school के बजाय office पे है. Futaba एक best girl जो अपने senpai के behavior से परेशान रहती है. Well, basically यही तो plot होता है, और जैसा कि आप जानते हो, teasing anime में सिर्फ teasing ही important aspect होता है. So do you like? Let me know. Enough for comedy, ready for some action. On the 8th place, Daft OP Dashney, an action music fantasy anime. इसका ट्रेलर तो काफी इंटरेस्टिंग है. सो बेस्ड है अमेरिका के फ्यूचर पे, जहाँ एक मेच्योर अर्थ पे आता है D2 नाम के क्रिएचर लेकर, और ये क्रिएचर पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर करने लगते हैं, जिन्हें सिर्फ म्यूजिक ही हरा सकता है. या म्यूजिक, जिन क्रिएचर से लड़ते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट, और जिसे लीड करता है एक म्यूजिक कंडक्टर. फैंस इसे अभी से ही फेट सिस से कंपेयर कर रहे हैं इसके विजुअल्स की वजह से, और ये एनिमे में डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि इसे मैप्पा और मैडहाउस दोनों मिल के एनिमेट कर रहे हैं, दो बेस्ट स्टूडियो. सो व्हाट्स योर ओपिनियन? でも違った。罰なんかじゃない。これはきっと本調だ。On the 7th place, Far Away Paladin, an adventure fantasy anime. एनिमे जिसका कॉन्सेप्ट टू योर एटर्निटी एनिमे से काफी सिमिलर है, और आई होप आप तो जानते ही होंगे, वन ऑफ द बेस्ट डीप टचिंग समर एनिमे है, राइट? क्या नहीं जानते? माय ऑडियंस, वॉच दिस वीडियो लेटर. एक एडवेंचरस जिसे 300 पीपल रेज करते हैं, और जल्दी उसे रियलाइज होता है लाइफ और भी बहुत खास है, इसलिए वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है एक क्वेश्चन माइंड में लेकर, हु एम आई? इस जर्नी में जहां उसके लिए बहुत से अननोन मिस्ट्री वेट कर रहे हैं, और पता नहीं एनिमे टू योर एटर्निटी जितना जेन्युइन फील देगा या नहीं, पर मैं श्योर इस एनिमे को चेक जरूर करने वाला हूं, जो पक्का वन ऑफ द बेस्ट हिडन एनिमे होने वाला है फॉल एनिमे का. सो व्हाट अबाउट यू? तो मेरे जीवन में 色がつき始めた。そう、それはあの街で見た。 On the 6th place, Blue Period, slice of life drama school seinen anime. हर सीजन में हमें कोई ना कोई ऐसा एनिमे देखने को मिलता है जो काफी डाउन टू अर्थ टॉपिक्स पे इंस्पायर होता है, एंड ब्लू पीरियड बेस्ड ऑन आर्टिस्ट. कहानी है एक लड़के की यात्रा, जो अपने लाइफ के बारे में सोच सोच कर बोर हो चुका है, पर सब कुछ बदल जाता है और सब कुछ कलरफुल होने लगता है जब उसे पता लगता है अबाउट आर्ट, और जल्द ही उसे उससे प्यार हो जाता है. पर लाइफ उतनी सिंपल कहाँ? Disapproving parents, complicity of art. Blue period एक काफी realistic concept पे deal करता है, जिस stage पे हम सभी कभी ना कभी एक बार जरूर आए होंगे. I'm sure anime में काफी deeply move करने वाला है, और साथ ही art जो काफी breathtaking होने वाले हैं. So artist, what you think? 15年, 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 15年. On the 5th place, yes, Jojo Bizarre Part 6, Stone Ocean. Well, ये तो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि 5th पार्ट तो आ ही चुका था, 6th पार्ट तो आना ऑब्वियसली था. इस बार कहानी सेट है 2011 पे, जिसमें जतारू की बेटी पे स्पॉटलाइट किया गया है, जो मर्डर सस्पेक्ट के लिए फंस चुकी है, और इसी बीच उसका स्टैंड हो चुका है, मतलब
स्टैंड पावर चक चुकी है, जर्नी स्टार्ट हो चुकी है जहाँ उसे तुरंत रिवील करना है, और एनिमे का सिनारियो जो काफी ऑसम लग रहा है। और आई थिंक इस एनिमे के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जोजो इकिरुकोतो वा त्सुराई दाके दे कोनो साकी किबो मो नानी मो नाई। On the fourth place, Platinum and a psychological supernatural drama Sonen anime. Holy shit, OST may remind you of Death Note. Well, of course, Paladin and the creator वही है जिन्होंने Death Note create किया है. Story follows Mirai जो अपने abusive relative से परेशान होकर suicide करने की कोशिश करता है, पर उसकी जान को Guardian Angel बचा लेते हैं और एक proposal देते हैं. Why not become a god? मिराई के पास सुपरनेचुरल पावर आ जाती है और साथ ही एक एपिक बैटल रॉयल शुरू हो जाता है जिसमें उसे अलग 12 गॉड कैंडिडेट से लड़ाई करनी पड़ेगी। एनिमे स्योरली साइकोलॉजिकल होने वाला है जो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगा जहां हमें सोचने मजबूर कर देगा लाइफ के मीनिंग को समझने के लिए। पता नहीं एनिमे डेथ नोट जैसी फीलिंग देगा या नहीं, या एलिया लाइट जैसे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, पर एनिमे स्योरली फॉल सीजन में बैंग करने वाला है। जिसका बेसब्री से इंतजार था फैन कम्युनिटी में। यू लव तगाकी-सान एनिमे तो पक्का ये एनिमे भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। कोमी और कोडोबा जो दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं जिनकी मीटिंग काफी हिलेरियस होती है, जो बेसिकली दो ऑकवर्ड पर्सन है जिनमें ज्यादा अंतर बिल्कुल भी नहीं है, और जल्दी उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है। आई नो यूनिक जैसा कुछ भी नहीं लग रहा है, पर एनिमे सीरियसली काफी बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। हमें टोटली न्यू एस्पेक्ट्स दिखाने वाला है जो श्योरली अनएक्सपेक्टेड होंगे और एंजॉयबल। कोमी-सान वा कोमी-शो देसु। मा ii ka, dono michi jinsei tsunde da kara na. Demo semete doutei kurai sosugyou shita ka. On the second place, yes, it's finally here, Mushoku Tensei second season, a drama magic fantasy ecchi anime. मुझे अभी भी उसकी ठरक याद है, वो एनिमे जो शायद वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिशनल इसेकाई कहलाता है। आई नो थोड़ा ज्यादा समय लग गया, पर अब फाइनली रूडी के ऑसम एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही मोर पैंटीज। फर्स्ट सीजन के मुकाबले हमें एक्शन इस बार ज्यादा देखने को मिलने वाला है, और साथ ही मिस्ट्रीज भी जो अभी तक अनसीन थी, और साथ ही प्रोडक्शन हिस्सा जो काफी लाइकलेबल रहा जिसके ज्यादा इश्यूज हमें भी देखने को नहीं मिले हैं, और कंफर्म सीजन 2 में भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ ही एनिमे के बारे में पूरी डिटेल में जानना है तो मेक श्योर इस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। So now for that anime जो surely storm लेके आएगा anime world में, no it's not Attack on Titan final season, it's Demon Slayer second season. The manga, the TV series, the movies, by God जिसने बहुत से रिकॉर्ड ब्रेक किए, और फिर से Demon Slayer दोबारा आ चुका है अपने ही रिकॉर्ड्स ब्रेक करने के लिए। मुझे लगता है इसकी जितनी हाइप कहीं और हमें देखने को मिल सकती है एक्सेप्ट अटैक ऑन टाइटन। Rengoku के एपिक ब्रेथलेस फाइट्स देखने के बाद अपने हीरोज इस बार रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच चुके हैं, जहां इस बार साउंड पिलर हासिरा उनके साथ होगा जो रेस्क्यू मिशन पे निकला है अपने तीन वाइफ्स को बचाने के लिए। Demon Slayer फिर से ऑसम ओएसटीज और म्यूजिक विद एपिक एक्शन और ब्लेटस एनिमेशन के साथ हमें एंजॉय कराने वाला है। बहुत से मिस्ट्रीज और कैरेक्टर्स अब हमें एक साथ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट पे देखने को मिलेंगे जो सियोरली आर रेटेड होने वाला है, और साथ ही एक एपिक बैटल रॉयल। माय एक्सपेक्टेशन आर सो हाई, व्हाट अबाउट यू? So that's it for today guys. तो आई होप आपको लिस्ट पसंद आई हो, और साथ ही मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं किस फॉल एनिमे के बारे में ज्यादा मोस्ट हाइप्ड है। सो कीप वॉचिंग टाकुटॉक्स, अंटिल देन आरआरआर, सायोनारा।